नमो अरंतानम नमो सिद्धानम नमो आर्यनम नमो अज्ञानम नमो लोय शविशावनम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्मानाम जैनम जयतु शासनम नमियो निजिनं वीरं अनन्ते वर्णानि दंशन शाभं वोच्यामि नियम सारं केवली श्रुद केवली वणिदं नमाशमय साराय स्वानिभूत्या चकाशते चिश्वावाये वावाये सरिविवावान्तरंचदे सर्वागिशाशञ्जयवन्ति वरिते निर्ग्रन्ति शाशञ्जयवन्ति वरिते चिन्नुरताय मनुमे सर्वन्तु वरिते जयवन्तु वरिते निर्ग्रन्थि शासन अब्बावाय मणिन्द्रि मनोभवम पुण्य पावणी मोकम पुनरागमन विरयम नित्यम अचिलम अनालंबम निर्वादे अनुपम अरुवतेन्द्रिय पुण्य पाप निरालंबने अमर पुनरागमने आत्मा नित्य है, आत्मा नित्य है जानकर तू प्रसन्न हो जा। अनित्यता को देखकर खिन्न क्यों होता है? अनित्य पर्याय अनित्य संयोग को जान करके नित्य का शरण ले। अनित्यता के दर्शाने का प्रयोजन मात्र इतना ही है कि तू अनित्य को अनित्य जान ले और उसके भरोसे बैठा मत रह, क्योंकि भय तो सब बदलने वाला है और लोक में भी जो क्षण क्षण में बदलने वाला हो और एक दिन पूरा ही बदल जाए बाप, उस पर विश्वास कोई नहीं करता है। तो क्षण क्षण में जिसकी अवस्थाएं बदलती रहती हैं, जो क्षण क्षण में क्षीण हो रहा है, ऐसे शरीर का तू विश्वास करके यानी उसको अपना मानकर क्यों बैठा है? अरे देह छूटे शरीर छूटे उसके पहले देह दृष्टि छूट जाए, हमें आकर के कोई निकाले उसके पहले हम निकल जाएं। वो अनित्यता का आपको दर्शन साक्षात जब हो उसके पहले ही देख लो ये अनित्यता है, और ये शरीर ही तो अनित्य है। शरीर ही तो छूटेगा पर मैं भगवान आत्मा तो नित्य हूं, मैं कारण परमेश्वर। जहां पर कहा जाएगा ये सब अनित्य हैं, ये सब राजा राणा छत्रपति आतिन के असवार मरना सबको एक दिन अपनी अपनी वार। अरे ये भावना पढ़ करके तू रोता क्यों है? ज्ञानी तो ऐसा कहते हैं राजा राणा छत्रपति आतिन के असवार
अर्थात क्या इसमें मेरा नाम ही नहीं आया? इस अनित्य भावना में मेरा तो कुछ आया ही नहीं है। तो राजा मरेगा, राणा मरेगा, छत्रपति मरेगा, हाथी का सवार मरेगा, मानो जो हाथी को अपना सवारी माने, गाड़ी की सवारी माने, वे मरेंगे, पर भगवान आत्मा तो ना राजा है, ना राणा है, ना छत्रपति है, वहां मेरा नाम है ही कहां? यहाँ मैं कहां मरता हूँ? राजा राणा छत्रपति आतिन के असवार मरना सबको, सबको मरना, पर हूं तो मैं तो मरता नहीं ना, मैं तो नित्य हूं। ये जो है ये अनित्य है, तो मैं भगवान चैतन्य नाथ क्यों अनित्य है शरीर? कि लिखते हैं आचार्य महाराज कि नित्य मरण, नित्य मरण मतलब उसके आयु कर्मों का निरंतर निषेध खेल रहे हैं, इसका नाम क्या है? नित्य मरण। और तद भाव संबंधी, उस भाव संबंधी मरण, उस भाव संबंधी मरण अर्थात एक भाव को छोड़कर वह दूसरे भाव में चला जाएगा। अरे जिसने भाव बदला है, उसने भाव बदला है, मेरे में भाव आया ही नहीं है, तो बदलने का प्रश्न ही कहाँ है? मैं तो ऐसा परमेश्वर हूं जिसका भाव होता ही नहीं है, आत्मा में भाव नहीं है, इसलिए आत्मा को देखने वाले को भाव नहीं है, आत्मा को भाव होते ही नहीं है। जब आत्मा को भाव नहीं है तो आत्मा को देखने वाले को भाव कैसे हो सकते हैं? तो फिर महाराज भाव कहाँ है? कि भाव वही है जहाँ भवातीत की दृष्टि नहीं हुई है। जो भवातीत अपना भगवान चैतन्य नाथ है, उस चैतन्य नाथ की दृष्टि ज्ञान आचरण नहीं हुआ तब तक ही भाव है। भाव की ओर देखेगा तो भाव भाव दिखाई देंगे, भाव रूप मानेगा तो भाव में भ्रमेगा, और भाव से अतीत हो जाएगा तो भवातीत हो जाएगा। तो उस भाव संबंधी मरण यानी वो भाव बदल जाएगा। अरे उसका भाव बदलेगा, मेरा क्या बदलेगा? मैं तो भाव में आता ही नहीं हूं, इसलिए मैं नित्य हूं। पकड़ में आया कि नहीं आया? भाव आसन करो या तो मोक्ष जैसे छोटे से बच्चे नहीं, पूरी टीका सुना दी आपको, समझ में आया कि नहीं? लेकिन इसकी भाव आसन करो, मतलब क्या भाव का बदलाव हुआ है? भाव छूट रहा, आ छूट रहा, मेरा क्या? ये निषेक खेल रहा है इसका शरीर के, ये रोग शोक आदि अवस्था रूप परिणत हो रहा है, लेकिन मैं तो इन सब अवस्थाओं से पार हूं। जैसे शिवराम जी ने लिखा है, शिवराम जी के शिवलाल जी हैं, देख लेना मूल में, जिसे मौत है उसको है मुझको क्या, मुझे तो नहीं वे फिर मुझको ये क्या, मेरा नाम तो जीवे जीव्यू चिरंजीव चिरकाल चिरंजीव्यू, मैं तो चिरंजीव हूं, किसी के आशीर्वाद से चिरंजीव नहीं, चिरम जीवती, मैं कभी मरता ही नहीं हूं, मैं तो जीवत शक्ति का धनी भगवान आत्मा हूं। चिरंजीव चिरकाल चिरंजीव, जैसे जिसे मौत है उसको है मुझको क्या, ऐसे ही जिसे रोग है बोलो उसको है मुझको क्या, मुझे क्या है? है मुझे मतलब मैं क्या था, मैं जानना देखने वाला भगवान आत्मा है। बोलो पंडित जी क्या भाव आसाना?
हाँ हाँ तू है वह मैं हूं ऐसा प्रतीति में आना। उदाहरण दिया था ना दो तीन दिन पहले कि उसको उसको इमली नाम सुनते ही मुंह में पानी आता है, इसके नाम इमली का भाव आसन है उसको। वो इमली शब्द सुनता है और मुंह में पानी है तो शब्द थोड़ी लाया, उस इमली नाम के पदार्थ को ही उसको भाव वासना है। हा भगवान चैतन्य नाथ जिसे भव है, जिसे रोग है, जिसका बुढ़ापा है, जिसकी जवानी है, जो बालक है, जो और ऊपर पर्याय को लें गुणस्थान मार्गना आदि रूप है, राग द्वेष आदि रूप है, पर्याय रूप है, वो मैं नहीं हूं, इसलिए मैं नित्य हूं। मैं नित्य क्यों हूं, मैं ध्रुव क्यों हूं, क्योंकि इन पर्यायों का जो अध्रुव है उनका मेरे ध्रुव में अभाव है। कलेवर का अभाव है, शरीर का अभाव है, इसका अर्थ है शरीरांत तक जितने भाव हैं उन सब का अभाव है। सर जैसे वहां परिणाम की अपेक्षा लिखा है कि परिणाम परिणत हो गया, मैं वही का वही रह गया, तो भव बदल गया, मैं भवातीत का भवातीत रह गया, शरीर रोग रूप परिणमित हो गया, मैं स्वस्थ का स्वस्थ रह गया, ये अनित्य ही बदल गया, मैं नित्य का नित्य रह गया। ध्रुव को देखने वाले को ध्रुव सुख होता है, नित्य को देखने वाले को नित्य सुख होता है। अरे अध्रुव के लिए कभी ध्रुव की कुर्बानी नहीं करना, अनित्य के लिए कभी नित्य को नहीं छोड़ना। आपको बढ़िया एक सीट मिल गई आधी वाली, क्या बोलते हैं उसको, एक आध बार हम भी चक्कर में पड़ गए थे, आरएसी बोलते ना, आरएसी। तो अब आपको यहां से मान के चलो शिखर जी तक लंबी 12-14 घंटे की रास्ता है, वो आरएसी की सीट मिली आपको अभी, हो क्या करे, जैसा योग कर्म का। तो फिर कोई व्यक्ति बोला कि एक काम करो कि आपको फुल मिल जाएगी, बोले कहाँ, कि बस आप ले लो, तो बोले कहाँ तक, बोले बस एक घंटा तक आपको ये पूरी सीट मिलने वाली है। और तुम्हारी भाषा हम तो कहा उनको कहा ये सीट की मिलने वाली है, बढ़िया व्यवस्थित है, बहुत बढ़िया है, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब तुम्हारा 14 घंटे का यात्रा है और वो एक घंटे की सीट के लिए बैठ के आराम से जाओ, वो आरएसी छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे, हैं? हेलो, हम आई तो आधी ही अच्छी है कि नहीं। तो अब जब यहाँ तो वो तो आधी है, ये तो पूरा है, और ये तो सुख में आनंद में है। जो सुख है वो नित्य है, जो ज्ञान में है वो नित्य है, जो प्रभुता में है वो नित्य है, हैं? और जो दुख है वो अनित्य है, ये जान तू, जो अज्ञान में है वो अनित्य है, जो सिद्ध स्वरूप है वो तो नित्य है, वो जो चार गति रूप अवस्था है वो अनित्य है, यानी वो बदल जाएगा। अब ये जानकर क्या लगना चाहिए, तू प्रसन्न हो, तू प्रसन्न हो, आचार्य महाराज कहते हैं सावधान हो, अपने द्रव्य में एकत्र कर, अपने को आपरूप अनुभव कर, अपने को अपने रूप देख, क्या देख, कि मैं बदलने वाला नहीं हूं, मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, जो हो रहा है उसका हो रहा है। मैं वाह भाई 25-30 साल का स्वाध्यायी भाई ट्रेन में यात्रा कर रहा, और ट्रेन यात्रा करते हुए बच्चे को कोई पानी वानी लेने के लिए स्टेशन पे गाड़ी खड़ी, थोड़े समय के लिए खड़ी, भैया जल्दी जल्दी नहीं करना चाहिए, तो उसने पानी कहीं से लिया और वो ट्रेन ने चल दिया, चला तो उसने एक हाथ में पानी और एक हाथ में वो पकड़ करके चढ़ने लगा, योग से पैर फिसल गया, पैर फिसला और पटरी के नीचे, पटरी के नीचे दोनों पैर कट गए, रुकवाई तब तक तो। और उस स्थिति में भी जब उसके दोनों पैर कट गए हैं, रक्त बह रहा है, स्थिति वैसी है, योग से होश में
और ये होश में पत्नी कह रही क्या होगा, कोई चिंता नहीं करो, जिसका हुआ है उसका हुआ है। उस समय वो गाथा बोल रहा है, छेदाए वेदाए कोले जाए नष्ट बने, अरे कोई रीति जाए पर तन नहीं मेरा, अरे छिज्जदू विज्जदू। मानो लोग कह रहे अस्पताल अब कहाँ जा पाएंगे, बोले अस्पताल लेकिन मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे तो वहां जाना है जहां मेरी शांतता मिल जाए। तुम विकल्प नहीं करो, शरीर का परिणमन हो रहा है। और ये बोलते बोलते मतलब उधर रागी जीव तो राग का काम करते हैं, ले जा रहे तब तक तो यही चिंतन में ही दे छूट गई। इसका नाम है उस तत्व का प्रयोग जीवन में करना। जो छीण हो रहा है, अरे देह छीण होती है, तू अपने परिणामों को छीण क्यों करता है? शरीर का बदलाव होता वो तो निरंतर उसका स्वभाव है। क्या स्वभाव है बेटे बोलना, क्या स्वभाव है शरीर का? नित्य मरण। क्या स्वभाव है? वो निरंतर मरता है, ये उसका स्वभाव है। मन निरंतर उसकी दशाएं बदलती रहती हैं। अब नित्य मरण और भव संबंधी मरण दो विशेषता बताइए किसकी? हाँ यहाँ लिखा है ना, हाँ नित्य मरण दिखता है तुमको बेटे? हाँ नित्य मरण और भव संबंधी मरण। तो नित्य मरण वाले को अपना मानेगा उसका नित्य मरण होगा, और भवों में भी मरण माने एक पर्याय के बाद दूसरा भाव, दूसरे भव के बाद तीसरा भाव। ये भवों को धारण कर करके मरण किसका होता है? जो उन भवों को अपना मानता है। और जब भवों को अपना मानना बंद कर दिया भैया, उस समय क्या हो जाएगा? भव खत्म। भव तब तक ही चलते रहेंगे जब तक कि भवों में अपनापन चलता रहेगा। हूँ नारकी, हूँ त्रियंश, हूँ देव, हूँ मनोज जी, ऐसा संचेतन करता रहेगा तब तक चलते रहेंगे। प्रवचन सार जी में आचार्य महाराज कहते हैं कि ये जो तू नारकी त्रियंश आदि रूप मानता है, ये जो तू अपने को शरीर आदि रूप मानता है, यही समस्त अविद्याओं का मूल है। लिखा है असमान जातीय द्रव्य पर्याय में एकत्व समस्त अविद्याओं का मूल है। मानो अपने को मनुष्य आदि रूप मानना ये समस्त अविद्याओं का मूल है। जो ये बदलती अवस्था वो मेरी नहीं है, मैं तो इन अवस्थाओं से पार चैतन्य घन परमात्मा हूँ, तो वही शरीर मैं नहीं हूँ, संयोग मैं नहीं हूँ, कर्म मैं नहीं हूँ, राग मैं नहीं हूँ। एक समय के राग के लिए, एक समय के विभाव रूप परिणाम के लिए मैं अपने त्रिकाली की कुर्बानी नहीं करूँगा। परिणाम तो क्षण क्षण बदलेंगे, इसलिए कभी धर्म विरुद्ध परिणाम भी आ जाए तो उनके साथ आप बहना नहीं। हाँ प्रतिज्ञा का स्वरूप अखिलेश भैया बताते हुए पंडित जी साहब ने लिखा है कि वर्तमान के पंडित जी साहब समझ में आए, टोटरमल जी साहब समझ गया, जिनका अपन ने कल कथा नक लिया कि वर्तमान परिणाम के भरोसे ही प्रतिज्ञा ना कर बैठे, आगामी निर्वाय होता जाने तो प्रतिज्ञा करे। तो जैसे प्रतिज्ञा लेने के संबंध में उनने लिखा है, उसी प्रकार से जिसने प्रतिज्ञा को ग्रहण कर लिया है उसके लिए भी पंडित साहब कहते हैं, बड़े पंडित साहब, कि वर्तमान परिणाम के ही भरोसे प्रतिज्ञा छोड़ ना बैठे। पकड़ना है कि नहीं आए? जैसे लेना ऐसे ही वर्तमान परिणाम, एक समय के परिणाम के लिए अपना नियम नहीं छोड़ देना। एक समय का परिणाम कोई चलित भी हो जाए तो ये मत समझना आप, तो अरे अभी हम धुन लगाएंगे अभी बदलेगा ही। समझ में आया कि नहीं आया?
दे छूट रही दादा, कोई बुजुर्ग 80 साल के, ना जाने कहाँ के संस्कार कब जाग जाए कुछ पता नहीं, 70 65 70 साल की उम्र लगभग, और देह छूटने का, और वो कहने लगे एकदम कि तुम तो हमें समोसा लाओ, वो भी समझ गए आलू वाले। अब पत्नी क्या लोग वाह कहने लगे, मुही तो ऐसे ही होते, मूड तो मूड ही होते, अब इनको मन हो रहा है तो निकला दो कहा जा रहा। सो वो पत्नी बोली, पुरानी धर्मात्मा थी, बोले जिन आतन ने ना तो कभी बनाए और ना कभी खिलाए और ना ऐसे पाप हमने करे जब से आए हैं जगर, इनसे ही तो हम सीखो जी, ऐसा बोल रहे है? तब तक बोले थोड़ी देर बाद हो सो आप का है? हम कछु मांग रहे थे। कहो क्या मांग रहे तुम, समोसा मांग रहे थे, बोले तुमने दाई तो नहीं, हमको पागल दे रखे है तुमने, अच्छो करो नजारे को का की भी होशी हो गई थी, समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या समझ में आया कि ये तो परिणाम क्षण क्षण में बदलेंगे। विद्यालय में गए, एक आध बार ऐसा ही विकल्प आता, चले अब तो घर के चले, जैसे तो जहां से तो चले चले, आते हैं कि नहीं आते, हमारे तुम्हारे परिणाम भी कहूं कहूं विकल्प हो ही जाता था। लेकिन वो एक समय का रहता है, उसके साथ छोड़ मत देना अच्छा स्थान। मैं इधर से कह रहा हूं, उस राग के लिए तुम विरागी स्वभाव को, अच्छे आयतन को छोड़ मत देना। पूजा करते करते हुए, स्वाध्याय सुनते सुनते हुए लगने लगता है, बीच में उठाता है वो मोहित, तो वो सोचता है जाना ना बैठ जाने, मेरो नाश हो जाए, वो तो ही काम चलाता रहो, जा सके कब से कब अब दे रहे, जाना ना धुन लग जाए कि चलो उठो चलो उठो। है हम भगवान महावीर के शासन में रहने वाले हैं, तेरे शासन में नहीं रह रहे हैं। इंद्रिय रूपी गाड़ी के पंडित जी पुराना देते उदाहरण, हमने कहा पंडित जी वो रही सही हमें समझ में नहीं आता, वो घोड़े वाला होता नहीं, एक घोड़ा के लिए होता है, एक घोड़ा है जिसके जो जिसके लिए घोड़ा होता है और जो घोड़े के लिए होता है। तो पंडित साहब ने दूसरा उदाहरण उसी आज का वर्तमान कह दिया, इंद्रिय रूपी गाड़ी के ड्राइवर मालिक बनो, ड्राइवर नहीं, इंद्रियां है ना, इंद्रियां कहेंगे तो मालिक बनो, ड्राइवर नहीं। तो भैया गाड़ी जब चलती है आप बैठ के जाते हो तो गाड़ी किधर जाती है, हैं बोलो, उदाहरण दे रहे भाई अब तो समझ में, जा मालिक ले, चलाता कौन है, चलाता ड्राइवर है, और चलती किधर है, मालिक के अनुसार। ऐसी वर्तमान भले हमारी हीन दशा है तो हमारी गाड़ी इंद्रियों से चल रही है, समझ में आई, इंद्रियों से चल रही है, अभी देख के चल रही करना तो, लेकिन हम इंद्रियों के अनुसार नहीं चलेंगे, इंद्रियों को अपने अनुसार चलाएंगे, अर्थात जिसमें मेरी आत्मा का हित होगा वो करांगे। जब तक इंद्रिय व्यापार सदा के लिए समाप्त होकर मैं अतन्द्रिय परमात्मा में नहीं गया हूं, तब तक आंख खुली होगी तो आंख जो कहेगी वो नहीं दिखाएंगे। क्या करेंगे हम, जिसमें हमारा हित होगा वो दिखाएंगे, ये आंख तो चली जाएगी लेकिन इससे देखे हुए दृश्यों का फल हमें मिलेगा, समझ में आया, ये कान तो चले जाए नित्य है, क्योंकि नित्य मरण अनुभव संबंधी मरण, नित्य मरण निरंतर की आवाज कम 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 कम, अपने तो बहुत दिन बाद समझ में आती जब वो डॉक्टर कहता है कि तुम्हारा नंबर बढ़ गया, और वो अगर अपन सूक्ष्मता से देखे ना, कर्म फलोस्वी से देखे तो प्रति समय वो छीण हो रही है आंख, प्रति समय छीन हो रही है, छीन छीन एकदम, वो एक नंबर नहीं आया था मेरी आंख का, ये डेढ़ नंबर दो नंबर एकदम नहीं आया, वो प्रति समय हमें पता नहीं चलता। जैसे चक्रवर्ती से कहा था ना कि अब तो वो रूप रहा ही नहीं, सौरभ भैया हैं, वो सुबह था वो रूप अब नहीं रहा, क्या हो गया सुबह में और अभी में क्या हुआ कि अब वो रूप नहीं रहा, क्षण क्षण में ये सब बदलता रहता है। तो हम इन इंद्रियों के अनुसार नहीं चलाएं, चलाएं नहीं चलें, अपितु इंद्रियों को अपने अनुसार चलाएंगे, हम वो ही सुनेंगे जिसमें हमारा हित होगा, हम वही देखेंगे जिसमें हमारा हित होगा, वो रूप देखेंगे जिस रूप को देखने पर हमें चिद्रूप दिखे,
वो वाणी सुनाएंगे जिसको सुनते ही हमें आत्मा की धुन लग जाए। शहर चलेंगे तो उधर चलाएंगे जहां पर हमारा कल्याण होगा। इसलिए तो श्रावक की भूमिका चंचल होती है, तो इतना व्यवहार का विस्तार है। और नहीं तो सम्यक दर्शन है कितना, पर द्रव्यंते भिन्न आपकी रुचि सम्यक भला है, और आप रूप को जान पनो सो आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारित सोई। बस हो गया मोक्ष मार्ग अव्यवहार। पंकज जी, लोग कहते हैं व्यवहार की बात नहीं करते, और हम व्यवहार बिना कुछ कर नहीं पाते। प्रवचन में बहुत 10% निश्चय आएगा तो 90% व्यवहार आएगा। कौन के हमारी में नहीं गए, गुरुदेव के प्रवचन में भी। क्यों? जितना समझाने का विस्तार है वो क्या है, व्यवहार है ना। अव्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत को होई। कौन सी गाथा में, तीसरी में, कौन सी डाल में, पूरी तीसरी में, चौथी में, पांचवी में और छठी में। उसके बाद सुनिए अंत में निश्चय का फल। मतलब क्या कहना चाह रहे, अब जो इतने जो आत्मा की रुचि कराए, आत्मा का ज्ञान कराए और आत्मलीनता में जो निमित्त भूत होता है उस व्यवहार की बात हम कर रहे हैं। व्यवहार व्यवहार के लिए नहीं आता, व्यवहार तो परमार्थ की भूमिका बनाने के लिए आता है। जो जिस व्यवहार में व्यवहार ही उपादेय लगता है वो व्यवहार व्यवहार है ही नहीं। रहता ज्ञानी व्यवहार के भावों में है और उपादेश निज आत्मा को मानता है। तो हम वो ये तो आंख तो चली जाएगी, कान तो चले जाएंगे, तो सब अनित्य हैं, ये तो क्षण क्षण छीन हो रहे हैं और एक दिन पूरे चले जाएंगे। क्षण क्षण छीन होने का नाम क्या है, गाथा सी बोलो, नित्य मरण। एक एक नहीं, एक एक का मरण हो रहा है। आंख मर रही है निरंतर, कान का मरण हो रहा है निरंतर आशीष भाई, हाँ, और भव संबंधी मरण। हमारे पंडित साहब तो ऐसा कहते हैं भैया कि आंख में आंख अपनी नहीं है, किराए की है, कब चली जाए कोई पता नहीं है, है? उसमें क्या कहें, जिनेंद्र भगवान का रूप इतना बसा लो, इतना बसा लो, इतना बसा लो कि चली जाए तो वही वही दिखाई दे, वही वही दिखाई दे। अपनी गांव की भाषा बोलना निकुंज, सावन के अंधे को, हाँ सावन में कोई आंखें कहीं हो भाई, बाकी तो वहां का देखो। तो ऐसे ही जैनी के स्वाध्याय का अगर आंखें चली जाए तो जिनेंद्र रूप जिनवाणी वही वही दिखाई दे, देखो वही वही बसाया था ना। तो इनके मालिक बनो, आंख का इधर देखो नहीं उधर देख, नौकर मत बनो। ड्राइवर कहने लगा कि हम तो इधर घुमाने ले जाए, मालिक है किधर ले जा रहा है गाड़ी, किधर जा रही है, कि थोड़ा घूमने को मन हो रहा है, घूम यहीं उधर बोलो तो वो ले जाएगा। एक और उदाहरण दिया है विशापार में कि जीव का और कर्म का नाविक और नाव सामान संबंध है। किस किस का, कौन से स्रोत में, विशापार है, नाविक नाव समानी आप वाणी में बाकी, अनुवाद लिखा है उसने के भगवान, जीव का और कर्म का नाविक और नाव के समान संबंध है। तो ये बताओ नाविक के अनुसार नाव चलती है कि नाव के अनुसार नाविक चलता है, हैं? नाविक के अनुसार। कभी ऐसा भी होता है निकुंज के कि नाव के अनुसार नाविक चले, क्यों भाई पीछे वाले हैं, अरे हो हैं, काय के अनुसार, नाव के अनुसार, नाव के अनुसार। हाँ ठीक है, एक तो तुम्हारा दिया वो तेज वाली बात है, लेकिन फिर भी नाविक बल लगाएगा, बल लगाएगा। लेकिन अभी हम तो ये कह रहे हैं हाँ नाव के अनुसार भी नाविक चलता है। कहो
हमेशा तो नाविक के अनुसार ही नाव चलती है, परंतु नाविक सो जाए, बोलो अगर वो सो गया तो क्या होगा? तो जिधर नाव ले जाए, चाहे भंवर में ले जाए, चाहे गड्ढे में ले जाए, तो वहीं जाएगा। ऐसी जीव का और कर्म का नाविक और नाव समान संबंध है। मानो जीव तो है नाविक और कर्म है नाव। अब कर्म के अनुसार जीव चलता है कि जीव के अनुसार कर्म चलते हैं? कि सुन कि अगर जीव सो रहा हो, पकड़ में आया कि नहीं आया? सो रहा हो मतलब क्या, अपनो स्वरूप नहीं जाना है, तब तक कर्म अनुसार नहीं। जो दे आया वही में बह जाता है, जो दे आता है वही में बह जाता है। लेकिन जब अपने चैतन्य को जान लेता है तो वो नाव के अनुसार चलने वाला अर्थात कर्म अनुसार उसका प्रणमन होने वाला नहीं है। फिर तो रे कर्म तो अपने ठाट तू दिखाता है किसे, प्रतिकूलताओं का विवेक बताता है किसे। तो हमने ये सब इसलिए ले रहे, शरीर ही अनित्य नहीं है, कर्म भी अनित्य है, परिणाम भी अनित्य है, संयोग भी अनित्य है। ये मित्र दोस्त आदि जो दिखाई देते लौकिक बातें कहें तुम्हारे, तो ये अनित्य है। ये तुम्हें मंदिर से दूर करें, सोचना ये तो सब चले जाएंगे। बैरागी प्रसंगों में आता है भी कहां गए भी मित्र जिनने हमारे लिए उल्टा सीधा सिखाया था, नरक में जाकर के भी याद करते हैं भी कहां गए भी सब साथी, कोई तो नहीं दिखाई देता, अकेला ही इसमें भोगने के लिए मैं खड़ा हूं। तो भैया जो पाप कराने वाले हैं, पाप में निमित्त वो तो छूट जाएंगे, लेकिन वो पाप बंधेगा। आपने वो मोबाइल चालू कर लिया कदाचित, और उसका सदुपयोग ना करके दुरुपयोग करने लगा कोई, उसमें कोई दो मिनट का कोई उल्टा सीधा चित्र देखने लगा, समझ लो वो दो मिनट का चित्र है तुम्हें सागरों का नरक दे देगा। हाँ, उसमें लग गया और उस समय कोई पाप का परिणाम हो गया। सोचो तो सही, वो सब वस्तुएं चली जाएंगी, उस परिणाम का दंड तुम्हें मिलेगा। ये सब अनित्य हैं, कभी मत सोचो। परिणाम के साथ मत भाओ, परिणाम तो बदल जाएगा। लगाओ उपयोग जिन वाणी में, भगवंतों की भक्ति में, परिणाम आए तो कभी मत भाओ, क्योंकि जी अनित्य है। प्रसन्नता की बात क्या है? अनित्य है। और मैं विराग स्वभावी अपरिणामी ज्ञायस नित्य हूँ, इसलिए एक समय के राग के लिए त्रिकाली भगवान आत्मा को कुर्बान नहीं करेंगे। राग का परिणाम आएगा एक समय का, क्यों निकुंज? जब छोटे हो गए दो तीन चार साल के, तुम्हें थोड़ा बहुत याद हो कि ना हो, हैं? उस समय तुम्हारे लिए कोई गुड्डा गुड्डी देता होगा, खिलौने देता होगा दो तीन साल के बच्चे को। तो जब वो खिलौने देते होंगे तो बोलो क्या नाम तुम्हारा, विवेक, तो दौड़ के आते होगे उस समय। जब दो साल की बात कर रहे हम, तो जब वो खिलौने तुम्हारे लिए ला करके दें तो एकदम दौड़ते थे, लेकिन अभी ला करके तुम्हें गुड्डा दिखाए कोई कि पागल हो गया क्या, कि कर तो उसी समय अब तुमको दे देते तो बड़े प्रसन्न होते थे कि काहे के प्रसन्न होते थे। अब बोलो क्या करोगे? वो परिणाम नहीं रहा। तो बचपन का परिणाम युवा में चला गया, तो युवा का परिणाम भी आगे चला जाएगा, लेकिन इससे बना हुआ कर्म तुम्हारे साथ रह जाएगा। इसलिए मत सोचो, ये तो बै के साथ बहने वाले परिणाम है, तो बयातीत हो जाओगे तो फिर क्या होंगे इनका, समझ में आया कि नहीं आया? ये तो अपने समय में ही जाने वाले हैं। अरे एक समय के लिए हम काय को अपने त्रिकाली की कुर्बानी करें? हमारा शाश्वत स्थान, हमारा शाश्वत धाम स्थाई भाव, स्थाता के स्थान, स्थाई स्थान चैतन्य है, और चैतन्य को छोड़कर अनित्य भावों के साथ नहीं बहेगी। नित्य बोल जो है ना, मैंने कल तीनों कर दिए थे। ये नित्य जो बोल है वो क्या कह रहा है कि मैं अनित्य के लिए नित्य को नहीं छोड़ूंगा, मैं अध्रुव के लिए ध्रुव को नहीं छोड़ूंगा,
मैं ज्ञान में हूँ, मैं सुखमय हूँ, मैं प्रभुता में हूँ। ये ऐसा वेदन जो करता है, जो ध्रुव ज्ञान को, ध्रुव सुख को, ध्रुव प्रभुता को अपना मानकर जानकर रम जाता है, वो ही उसका ध्रुव फंड बन जाता है, जो कि उसकी अनंत काल तक काम में आएगा। हैं, एक ध्रुव फंड बना लो साहब, बुढ़ापे बुढ़ापे में कहूंग ना कहूं, लड़का बड़का ने निकाल दिया तो क्या करोगे कि मैं बुढ़ापे रूप नहीं होता, ये राग आदि यही मेरा क्या है, ध्रुव फंड है। अभी किसी ने मोबाइल पे एक वाक्य भेजा है, लोग वाक कहते हैं कि पैसा कमा लो बुरे वक्त में काम में आएगा, और जिनवाणी कहती हैं, हम ज्ञानी कहते हैं कि जिनवाणी का स्वाध्याय करो बुरा वक्त ही नहीं आएगा। ऐसा कोई वाक्य देख लेना आप लोग हैं, जिनवाणी कहती हैं तो ज्ञानी कहते हैं जिनवाणी का स्वाध्याय करो बुरा वक्त ही नहीं आएगा। बुरा वक्त तो पाप परिणामों से आता है ना, अगर स्थूल रूप में देखें तो हैं, उधर से देखें तो, और फिर पूर्व का आएगा तो लगेगा नहीं। ज्ञानियों के ऊपर कितने उत्सर्ग भाई, अपन कह रहे हैं उनको पाप का उदय है, और वे कह रहे हैं हमारा पाप का उदय का आएगा, हमारे तो निरंतर आपका उदय है। समझे, अब हमारे पास सब कथाएं सुनाने को समय नहीं रहता, लेकिन तुम्हारे पास भी सब कथाएं रहती हैं। सुर सुंदरी की कथा सुनना, एक के बाद एक उपसर्ग, दूसरा उपसर्ग, तीसरा उपसर्ग सुनी होगी किसी ना किसी ने, देखी तो होगी है। हाँ हाँ, वो तो हमने भी सुनाई थी सागर में, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक उपसर्गों की लिस्ट बनी है। तो भी उस महासती को ने कभी घबरा ही नहीं, अरे भाई उदय ये बदलेगा, विभाव अनित्य है और स्वभाव नित्य है, कर्म विभाव कर्म का अंत है पर निष्कर्म स्वभाव तो अनंत है। समझ में आया कि नहीं आया, इन सब का अंत आ जाएगा पर मेरा अंत आने वाला नहीं है, तो मैं अनित्य नहीं, मैं तो नित्य हूं, क्योंकि अनित्य का मेरे में अभाव है, इसीलिए मैं अनित्य के लिए अपने नित्य को छोड़ूंगा नहीं। जब मैं नित्य हूं तो मेरा ज्ञान, मेरा शोक, मेरी प्रभुता। क्यों भैया आप कौन हो, कौन सी जाति के हो, क्या हम जैन है, और आपका लड़का, आपका लड़का कौन है, पंडित जी कैसे बोला, तो जब हम जैन हैं तो बोलो हमारा लड़का भी जैन ही होगा। तो जब मैं नित्य हूं तो मेरा ज्ञान भी, मेरा सुख भी, मेरी प्रभुता भी, जो मेरा है वो बोलो। आपके दादाजी कौन, हमारे दादाजी तो जैन थे, जैन है, अच्छा आप जैन, तो आपके पापा जी, आपके दादा, आपका बड़ा भाई, आपका जो जी काको लगे इतनी व्याख्या करवावे के लिए, ये एक एक का परिचय मिला बोलो हैं। तो जब मैं ध्रुव नित्य है तो ध्रुव के आश्रय में जो जो वर्तता है वो सब कैसा है, नित्य ही है। समझ में आया, और जो अनित्य है, जो मलमय है, वो मैं हूं नहीं है, इसीलिए क्योंकि उसका मेरे में अभाव है। और कदाचित ऐसा भी हो गया कि आप तो जैन, और योग से अब सिटी सेहरन की हालत खराब रहते हैं, फ्लैट रहते ना, अब आप उसी उसी मंजिल में, उसी मंजिल में भाई आपका और भाई कोई छोटी कुल वाले का, और फंस गया तो फंस गया। तो बोले साहब आप कौन है, कि साहब तो जैन, साहब जैन है, आप जैन हो, लेकिन जी तो जी रहते हैं आपके पास, तो आप तो जैन हमें समझ में नहीं आ रहे। बोले उससे क्या, उनका कोई हमारा संबंध थोड़ी है, उनकी और हमारे बीच में तो दीवार है, समझ में, और उनका खान पान, उनका रहन सहन, उनकी रिश्तेदारी नातेदारी उनके साथ है, हमारे साथ क्या, ऐसी जिस अनित्य के साथ में बोलो इस समय, और मेरे में तो दीवार खड़ी है। समझ में, किसके साथ, हाँ अभाव है ना, तो इसके कारण मैं इस रूप थोड़ी हो गया है। अब कोई बोल लड़का आके कहने लगे कि पापा जी अपने साथ पास में वे रहने लगे दूसरे हैं,
रिजल्ट लेने हमारे पास में, तो पापा अपन कितने आओ अपन का लिखा करें, मुझे पागल हो गया क्या तू? तो जब हमारे साथ शरीर भी है, राग भी है, कर्म भी है, तो हम का लिखें भैया? हम रागी माने कि हम विरागी माने कि भैया वो है लेकिन वो मैं। और सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात बताएं, जो मैं हूं वो नित्य है और जो मैं नहीं हूं वो अनित्य है। जो सुख है वो ध्रुव है और जो दुख है वो अध्रुव है, वो बदलेगा वो छूटेगा। बाबू जी का उदाहरण हमने पुराना याद दिलाया था आपको कि बाबू जी कहते हैं कि भले ही वो कहते थे ना कि भले ही वो बहन के उस पेट में कीड़े भी निकले, वो अपने बेटे तो नहीं हो सकते। बोलो उसको बेटा तो नहीं मानेंगे, मेरे लला है, उसी पुत्र उसी उसी गर्म उसी पेट से पुत्र का जन्म हुआ है, उसको अपना बेटा मानती है। और लेकिन वो कीड़े निकले हैं, उन कीड़ों को अपना बेटा तो नहीं मानेगी। तो जो भले ही उस पर्याय में राग उत्पन्न हुआ है, तो राग मेरा स्वभाव तो नहीं है, वो तो विवाह विकृत है, विकृति है वो तो। तो भगवान आत्मा नित्य है क्योंकि अनित्य वस्तुओं का वह अचल है। अचल है मतलब वो कभी चलायमान होने वाला नहीं है, वो अपने स्वभाव से चलित। इसलिए चंचल के लिए, चलित के लिए अचल को मत छोड़ना। ध्रुवे अचले अनुपम, मैं ध्रुवे अचले अनुपम पाए हुए सब सिद्ध को। पाए हुए मतलब उन्होंने कब पाया कि जब ध्रुव को पाया, जब अचल को पाया, जब अनुपम को पाया, तो वे ध्रुव अचल अनुपम गति को पा गए। कौन ध्रुव? जो नित्य है, जो अचल है, और ऊपर क्या क्या आए? अनुपम है। आत्मा की तीन विशेषता इसमें ही थी, सिद्धों की विशेषता, वो तेरी विशेषता। जो ध्रुव रूप, जो अचल रूप, जो अनुपम तत्व है, वो उसको पाया, मन उस रूप अपने को जाना माना आचरण किया, तो वे ध्रुव अचल अनुपम गति को पा गए। भगवान आत्मा अचल है, भगवान आत्मा कभी चलायमान होने वाला नहीं है, क्योंकि वह अपने गुणों और पर्यायों से च्युत नहीं होता। हेतु क्या दिया है? बोलो, अपने गुणों से और पर्याय से। आत्मा का ज्ञान गुण है सौरभ भैया, और पर्याय क्या होगी? जीव द्रव, बालपोथी में से ही बोल दो, ज्ञान गुण और जानना उसकी पर्याय। तो अपने गुणों से और अपनी पर्यायों से कभी च्युत नहीं होता, मतलब कभी छोड़ता नहीं है। इसी नियम सार जी की गाथा याद करो, निज भाव को छोड़े नहीं किंचित गए पर भावना, जाने व देखे मैं वही ज्ञानी करे चिंतन आई। अर्थात इस भगवान चैतन्य नाथ ने अपने गुणों और पर्यायों को छोड़ा नहीं है और परगुण पर्यायों को ग्रहण किया नहीं है। परगुण पर्यायों में चेतन छोड़ो अब तुम अपनी दौड़। आत्मसंबोधन है ना इस बैरक पाठ संग्रह में, ये परगुण पर्यायों में दौड़ लगा रहा है। अरे तू अचल तत्व है, चाहे निगोद में रहो, चाहे मनुष्य पर्याय में हो, चाहे सिद्ध अवस्था में हो, इस भगवान ने बोलो आशीष भाई क्या नहीं छोड़ा? अपने गुणों को, कितने गुण हैं, और अपनी पर्यायों को। अरे जो अशुद्ध रूपण मेरा द्रव्य शुद्ध, मेरे गुण शुद्ध और पर्याय। अब बड़े धीरे धीरे बोल रहे, लग रहे सो गए हो, रात के 12 बज गए हो, हैं जल्दी बताओ। पर्याय कि मेरा द्रव्य शुद्धि, मेरे गुण शुद्ध और मेरी पर्याय शुद्ध। मेरी पर्याय किसकी बात कर रहे हैं?
और जो अशुद्ध है वो मेरी पर्याय नहीं है, और जो मेरी पर्याय है वो कैसी नहीं है, वो अशुद्ध नहीं है। जो अशुद्ध है वो मेरी कहाँ है, पकड़ना है कि नहीं है? क्या कहें भाई, जो लड़का ने आपका ही जन्मा लड़का और चांडाल की बेटी के साथ विवाह कर लिया और वही के घर में रहने लगा और वही काम करने लगा, तो आप कहोगे गौरव के साथ में? आपके कितने बेटा है? दो है, तो दो है, एक तो वह रहेगा एक जाए, क्या कहोगे? एक है कि वो भी तो तुम्हारा ही है। कहा क्या लगे, नाम सुनते ही को बोलो क्या लगेगा, वो मूर्ख ही पाप पिता होगा, उसको समाज से छिकना होगा, अगर फिर भी वो अपना मानेगा तो समाज उसको क्या कर देगी, अलग कर देगी कि तुम्हारा, बल्कि ये होता है इतना कि तुम्हारे घर में यदि उसका आना जाना है, उसके साथ तुम्हारा संबंध है, तो नैतिक समाज कहती है हमारा साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, उसको घोषणा करनी पड़ती है अपनी समाज में रहने के लिए कि मेरा उसके साथ कोई संबंध नहीं है। ऐसी सिद्ध समाज से तब तक छिके रहोगे जब तक इसे लायक नहीं, ऐसे राग को लायक नहीं, मतलब क्या बोलते आप लोग ना, हाँ वो बेटे को क्या कहेगा, वो नालायक है वो, तो ऐसी ये राग क्या है तुम्हारे लायक, मोह क्या है तुम्हारे लायक, फिर भी क्या मान रहे हो, हमारो है, हमारो है, हमारा है, और उसको उसका उपयोग जाना आना बना रहेगा, सिद्ध समाज से छिक जाओगे हैं? अगर सिद्ध समाज से नहीं छिकना हो तो इसको अपना, भले ही वो अपना है, बोलो भले ही उसी के जन्म दिया है, तो भी भाई पिता उसको याद नहीं करता, ऐसे ही वे राग मेरे याद करने लायक, अशुद्धता मेरे याद करने लायक नहीं है। हाँ इतना ही है कि ये अगर मेरे घर में रह रहा है तो निकालना है इसको, बस इस व्यवस्था को सोचता है कि इसको बाहर कैसे करें, क्योंकि जे जब तक घर में रहेगा, घर में ही आकर रहने लगा, तो अगर जे घर में रहेगा तब तक मैं अपनी समाज में बैठने लायक भी नहीं रहूंगा। ऐसे ही जब तक ये राग मेरे उपयोग में रहेगा आएगा, तब तक मैं स्वरूप में नहीं बैठ पाऊंगा, अतः ये निकालने लायक है। और जब मैं अचल हूं, मुझे किसी की जरूरत, मैं तो नित्य हूं, मैं तो अचल हूं, जब मैं अचल हूं तो फिर मुझे मेरे साथ किसी की मुझे जरूरत नहीं है। इसलिए आखिरी का बोल क्या है, निरालंबी, मैं तो आशीष भाई कैसा हूं, ज्ञानमय सुखमय प्रभुतामय वीरमय परमेश्वर हूं, मैं निरालंबी हूं। क्यों निरालंबी हूं, पर द्रव्य के अवलंबन का अभाव होने के कारण मैं भगवान आत्मा कैसा हूं, निरालंबी हूं। अर्थात मुझे पर द्रव्यों के अवलंबन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं तो नित्य हूं और अचल हूं, अतः निरालंबी हूँ, अर्थात मुझे किसी की जरूरत नहीं है। संध्या की बेला में ही अपन कथा का प्रसंग प्रारंभ करेंगे। इस बोल को थोड़ी सी पद्य के माध्यम से दो मिनट में अपन पूरा कर रहे हैं। द्याओ 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 बभीजन अपना आत्मीराम, द्याओ द्याओ देखो ने एक टीका निकाल के देखो, टीका में आएगा ये, ऐसे द्याए बिन कहीं भी मिले नहीं विश्राम, द्याओ
आओ ध्याओ अपना आत्मी जिसका संपूर्ण आश्रय में सिद्धि पद प्रगटाए सिद्धि पद प्रगट 177 की उत्थानिका में गाथा शुरू हुई है वहां से। आओ निरोपाधि सारू 78 की उत्थानिका कैसा है वो। अहो निरोपाधि स्वरूप में जिन प्रभु दर्शाए जिन प्रभु दर्शाए ऐसे परमा तम को और मैं बाओ आत्मराम जाओ ध्याओ समस्ते पाप वीर शत्रु की सेना शत्रु की सेना अरे दुष्ट उपाद्रवी है कहते जिन बैना समझो जिन बैना सहज ज्ञान गढ़ का वासी आओ आत्म राम ध्याओ ध्या समस्त दुष्ट अगुरु वीर शत्रुओं की सेना का उसमें प्रवेश नहीं है उसमें इनका प्रवेश नाई अता अव्यावाद अता अव्यावा सर्वे आत्म प्रदेशों में भरा हुआ निर्वाद भरा हुआ निर्वाद चिदानंद में पने से अतीन्द्रिय आत्म राम ध्याओ इसे ध्याए बिन कहीं भी मिले नहीं विश्राम ध्याओ पूरा वजन बाद में पढ़ेंगे बोलो के माध्यम से ध्यान लगाओ अव्यावाद स्वरूपोऽहम् स्वरूपोऽहम् बोलना है आपको अव्यावाद अतीन्द्रिय अनुपम पुण्य पाप रहित पुनरागमन रहित नित अचल निरालंबी इसे ध्याए बिन कहीं भी मिले नहीं विश्राम ध्याओ बाधाओं से विश्राम पाना है तो ये चैतन्य तुम अव्यावाद को भाओ इंद्रियों से विश्राम पाना है तो ये चेतन अतिंद्रिय को भाओ अनुपम जीवन जीना है तो ये चेतन अनुपम को देखो पुण्य पाप की बाधाओं से बचना है तो इससे रहित प्रभु को देखो अगर गमना गमन मिटाना है तो उस गमना गमन से रहित को देखो अनित्य से बचना है चंचल से बचना है अवलंबन से बचना है तो नित्य अचल और निरालंबी का ध्यान करो
इसको ध्यान के बिना कहीं विश्राम मिलने वाला नहीं है। चारों गति में भटके लेकिन इसके बिना शांति नहीं मिली। अतः इसी को सुनो, इसी को विचारो, इसी का निर्णय करो, श्रद्धान करो, ज्ञान करो, आचरण करो, ध्यान करो, इसी में मग्न हो जाओ, शाश्वत विश्राम का स्थान सिद्धत्व मिल जाएगा। संध्या की कथा।